चलिए आज हम लोग क्या डिस्कस करना था, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। पहला दिन सिलेबस डिस्कस किए थे, दूसरा दिन अकाउंटिंग के स्टेप्स देखे थे, आज भी स्टेप देखकर फिर डिफिनेशन शुरू करेंगे, राइट। चलिए देखो, अभी तक क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहले उसको डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्या डिस्कस कर चुके थे हम लोग, देख लीजिए। नंबर वन, हम लोग डिस्कस कर चुके थे फ्रॉम वेयर अकाउंटेंसी बिगिंस, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी बिगिंस, क्लियर। देख लो क्या डिस्कस किए थे हम लोग। सबसे पहले अकाउंटेंसी बिगिंस कहां से होता है, मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद हमने आपको बताया था ट्रांजैक्शंस, एंड इवेंट्स। साहब, ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बाद हम लोग को सीखना है जर्नल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक, सलस सब्सिडियरी बुक, ठीक है। इसके बाद लेजर सेलस अकाउंट, फिर इसके बाद व्हाट ट्रायल बैलेंस, फिर इसके बाद सेल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट के बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर एट डिसीजन मेकिंग, फिर साहब
रिपोर्टिंग, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी आप अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, ये हम लोगों को सीखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, जैसे आप रूल सीख लेंगे तो फिर अकाउंट शुरुआत करेंगे। तो अकाउंट शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बताओ ट्रांजेक्शन, बिजनेस का क्या लेन देन आपका हो रहा है। जैसे आप कितना गुड्स परचेस किए, कितना गुड्स सेल किए, सैलरी कितना पेड किए, दुकान का रेंट कितना पेड किए, स्टाफ लोगों को वेजेस कितना पेड किए, सब आप रिकॉर्ड करोगे। सब रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो फिर जाके मंथ के एंड में, ईयर के एंड में आप उसको समराइज करके आप उसका टोटल निकालोगे। तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग में क्या होता है, सारा एंट्री सेपरेट होता है। सैलरी पेड के सैलरी सैलरी का एंट्री कर लिए, रेंट पेड के रेंट का एंट्री कर लिए, हर महीना उसको एंट्री करते जा रहा है। और महीना के लास्ट में सारा सैलरी को इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे, सारा रेंट को इकट्ठा करेंगे, सारा सेल को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कहां करते हैं, लेजर में। इकट्ठा कहां करते हैं, लेजर में। उसके बाद लेजर को जोड़कर उसका बैलेंस को भी इकट्ठा करेंगे, सब लेजर का इकट्ठा करेंगे बैलेंस को, कहां पे, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद इकट्ठा करने के बाद सबको अब आपस में कंपेयर करेंगे, उससे क्या बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा, उसके पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाए थे, इस साल प्रॉफिट कितना कमाए थे, आपस में क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे बताओ, एनालिसिस करेंगे। क्लियर? क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट फिर उसको इंटरप्रिटेट करेंगे यूजर लोग के लिए। क्या करेंगे, जितना भी यूजर्स है सबको बताएंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे। फिर द यूजर विल टेक द डिसीजन। ठीक है, द ओनर विल टेक द डिसीजन फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, नया ब्रांच खोलना है कि ब्रांच जो खुला हुआ उसको बंद करना है, विच ब्रांच शुड बी हायर, विच ब्रांच शुड बी फायर, राइट ना। उसका क्या तैयार कर देंगे, उसका हम लोग रिपोर्ट तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग स्टेप्स आपको सिखाया गया था, राइट। अब आगे चलते हैं, इस स्टेप के अनुसार आपको हम एक डिफिनेशन बताए थे, उस डिफिनेशन को भी आप देख लीजिए, क्या डिफिनेशन बताया गया था। क्या डिफिनेशन बताया गया था देख लीजिए, डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन लिख लीजिए, राइट। ये देखो, अकाउंटिंग ईच अ इज अ systematically practice of recording reporting and analysis financial transaction conducted by what business। ठीक है, फिर से देख लो। ये देखो,
accounting is a systematic practice of what? Recording. आप जितना बिजनेस का लेन देन सबको क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग के लिए आप हो सकता है उसका जर्नल एंट्री बनाए, उसका लेजर बनाए, उसका ट्रायल बैलेंस बनाए, ठीक है, उसका फाइनल अकाउंट बनाए, और सारा चीज बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका रिपोर्टिंग करेंगे कि हमने कंप्लीट कर लिया। रिपोर्टिंग जब हो जाएगा तो फिर उसका एनालिसिस होना शुरू होगा, कंपेयर करना शुरू होगा, किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अगेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है? आप ऋण कितना पेड किए, आप सैलरी कितना पेड किए, इस साल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, ये सब लोग कंपेयर और डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर से एक बार स्टेप देख लीजिए और इस स्टेप्स के अनुसार डिफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है? ये देखो अकाउंटिंग, पहला स्टेप्स अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट? इसी स्टेप्स को आपके बुक में ग्रीवाल अंकल और डीके अंकल डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टेप्स बोलकर, अकाउंटिंग स्टेप्स बोलकर या और अकाउंटिंग साइकिल बोलकर, अकाउंटिंग साइकिल बोलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है? या और अकाउंटिंग प्रोसेस बोलकर, अकाउंटिंग प्रोसेस बोलकर, अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट? फिर से आप देख लो, ये अकाउंटिंग स्टेप्स हो गया, इसी को हम लोग अकाउंटिंग स्टेप्स बोलते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल बोलेंगे, ये अकाउंटिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है? अब बुक के अनुसार डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, सारे बुक में डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, थोड़ा ये एडवांस डिफिनेशन हो गया है, ठीक है, क्लियर? अब बुक के अनुसार डिफिनेशन क्या, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, राइट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तनिष्का अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं, ये देखो दबे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू एसर्टेन प्रॉफिट
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू मेन एम क्या है साहब टू अर्न प्रॉफिट टू अर्न प्रॉफिट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू डिटरमाइन रिजल्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रिजल्ट फॉर द बिजनेस एंड एन अप्रोप्रिएट इंटरवल एंड एन अप्रोप्रिएट इंटरवल नाउ फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर सो अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाई द बिजनेस क्लियर तो ये देखो द मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज अर्निंग प्रॉफिट यानी साहब बिजनेस प्रॉफिट मोटिव बिजनेस प्रॉफिट मोटिव ठीक है प्रॉफिट मोटिव राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड और डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इन इंटरवल ऑफ तो इधर इंटरवल का मतलब क्या हुआ वन ईयर अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग बोलते हैं एक साल प्रॉफिट निकलना चाहिए ठीक है रिजल्ट मतलब प्रॉफिट टू रिकॉर्ड इधर लिखा हुआ रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब सारा अकाउंटिंग स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए रिपोर्टिंग एनालिसिस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय द बिजनेस क्लियर सेम डिस्कस हो चुका था अब आगे बढ़ते हैं अब कुछ डिफिनेशन देख लीजिए एक्सपर्ट के द्वारा गिवन इन अदर वर्ड अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट द जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन राइट फिर से आप देख लीजिए सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हैं जो भी बिजनेस का लेन देन उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया फिर उसको मेजर करते हैं कितना पेड किए 5000 10000 2000 कितना पेड किए उसको हम लोग देख लेंगे ठीक है मेजर हो गया फिर उसको कम्युनिकेट करें कम्युनिकेट करने के पहले क्या करना पड़ेगा आपको फिर रिकॉर्डिंग अगेन रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल चलो कम्युनिकेट कर लिया And then the user will make the take the decision, right? Now, next definition, an important definition. This is the ideal definition. Dekh lijiye. In other words, American Institute of Certified Public Accountant accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. In a significant manner and the term of money transaction and events which are part at least of financial character and interpreting the result thereof ab ye dekho sabse pehle likha recording what is recording
रिकॉर्डिंग मींस जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग मींस जर्नल एंट्री, जर्नल, ठीक है। तो जर्नल के पहले आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट हो जाएगा, क्लासिफाई कर रहे हैं सर, क्लासिफाई मतलब हम उसका लेजर तैयार करेंगे सर, समराइज मतलब उसका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तरीके से बनाएंगे एंड इन द टर्म ऑफ मनी, पैसे में मेजर कर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंस, विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रिटेट करेंगे टू द यूजर्स, टू द यूजर्स, देयरफॉर क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ अबव डेफिनेशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग, इसको इसमें ऐड करना है, ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर, बुक का दिया हुआ है तो बुक के अनुसार जितना दिया हुआ उसको बुक के अनुसार दिया हुआ उसमें कुछ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आप देख लेंगे, फिर से देख लो, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, फिर क्या बताओ, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन यूजफुल मैनर, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तीन डेफिनेशन है, दो तो आप कर लीजिए और एक हमने दिया उसको आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तनीषा, रोहित शर्मा, सोनी कुमारी, गुड मॉर्निंग, बी लाइव ऑन डेली, राइट। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए जो 11 क्लास में दे आर डिसाइडिंग टू टेक कॉमर्स अकाउंटेंसी। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप लोग उससे टच हो जाइएगा, ठीक है, कि जो भी स्लाइड है मैं उस पर सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन हो गया, फिर से एक बार डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, फिर से डेफिनेशन एक बार देख लीजिए साहब जी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, बुक में इतना ही दिया था, आगे भी पढ़ लीजिए, डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक या यूजफुल मैनर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग।
चलिए फीचर्स देख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। फीचर देख लीजिए, सबसे पहला फीचर्स, नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये सबसे पहला फीचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। नंबर वन, फिर नंबर टू, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ मनी, मनी में मेजर करेंगे आप कि सैलरी कितना पेड कर रहे हैं, रेंट कितना पेड कर रहे हैं। तीसरा, रिकॉर्डिंग दैट इज जनरल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन थ्रू लेजर। फिफ्थ, समराइजेशन बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। छठा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक ही में मिला दिया। कम्युनिकेशन सातवा, तो इसको सातवा कर लीजिए, इसको आठवा कर लीजिए। एट, नाइन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कर लीजिए। टेन में क्या कर लीजिए, रिपोर्टिंग कर लीजिए। ये वो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में इतना सारा काम है, वो क्या करना है, करना होता है। फिर से, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा साहब मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, देन रिपोर्टिंग। ठीक है, अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, कम्युनिकेटिंग क्या होता है, एक एक हम लोग एनालिसिस करेंगे। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहला फीचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये देखो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होगा, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। जैसे इंप्लॉइज लोग आपस में झगड़ा कर लिया, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे? नो सर। इन इंप्लॉय को आप सैलरी पेड करें, उसको तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो जो झगड़ा था वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और सैलरी था वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? चलिए देखते फिर। तो आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। देखो अ बिजनेस इज फुल ऑफ इवेंट्स विच आर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सर ये फाइनेंशियल मतलब कैन मेजर अ टर्म ऑफ मनी, कैन मेजर इन द टर्म ऑफ मनी, टर्म ऑफ मनी पैसा मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल कांट नहीं मेजर कर सकते। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड दे ब्रिंग द चेंज इन द रिसोर्स ऑफ द फर्म। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स ऑफ द फर्म? यानी साहब एसेट्स कैपिटल, यानी मालिक कितना पैसा लगाया है, लाइबिलिटी बाहर से कितना पैसा लिए है, और आपके पास संपत्ति कितना है, एसेट्स कितना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास जो भी कैश है उसमें डिक्रीज हो जाएगा, और आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक है उसमें इंक्रीज कर जाएगा। चेंजेस हुआ कि नहीं? यस, चेंजेस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या था अकाउंटिंग का? आइडेंटिफिकेशन। क्या था बताओ? आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजेक्शन आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? यस सर। सेकेंड, सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली द टर्म ऑफ मनी, जिसको पैसा मेजर करें उसी को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? और ये पैसा कौन सा होना चाहिए? आपका रूलिंग करेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? रूलिंग, जो करेंसी आपका चल रहा है, राइट? इट इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स यूजिंग द मॉनिटरी यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इन इंडिया रुपीज यूज एज अ मेजरिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ 10 चेयर फॉर रुपीज इतना एंड इतना केजी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रुपीज इतना विल बी मेजर टर्म ऑफ मनी, रुपीज इतना विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? आइडेंटिफाई कर लिए कि वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ठीक है, चलो नोट, एनी इवेंट्स विच कैन नॉट बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी इज नॉट recorded in the books of account. For example, receiving an order of sale of goods, appointment of employees is not recorded in the book of account. Good. आप किसी को order देते हैं, ठीक है, तो आप order को record करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके पैसा flow नहीं हुआ, पैसे का flow नहीं हुआ। ठीक है, जैसे example देते हैं, घर में शादी है, ठीक है, भैया का शादी है, टेंट वाले को पापा गए बोलने के लिए कि सुनिए 22 तारीख को शादी है, टेंट बुक कर लीजिए। बिल बना साहब 3 लाख का। कितना का बिल बना? 3 लाख का, सिर्फ टेंट का 3 लाख रुपए। पापा पैसा दिए 50,000, तो क्या 3 लाख रिकॉर्ड हो जाएगा? सिर्फ कितना रिकॉर्ड होगा? 50,000। कितना रिकॉर्ड होगा? 50,000। और ऑर्डर कितना बाकी होगा उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो रिकॉर्ड कब होगा? 22 तारीख को। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप। तो पहला क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या होगा? मेजरमेंट। तीसरा, अब उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? देख लो, रिकॉर्डिंग
मतलब साहब हम उसका जर्नल बनाएंगे। जर्नल दो तरह से बनता है, या जर्नल एंट्री बनेगा या सब्सिडियरी बुक बनेगा। सब्सिडियरी बुक बनेगा, राइट। चलिए, अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मींस एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द ओरिजिनल एंट्री। इन अ स्मॉल कंसर्न अ फ्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन डन इज मेड इन द कॉल्ड जर्नल। इन द बिग कंसर्न विथ न्यूमरस ट्रांजेक्शन द जर्नल is further divided into various books known as subsidiary book, such as cash book, purchase book or sales book. चले, अगर छोटा concern है तो आप सिर्फ journal entry से काम चल जाएगा। अगर बड़ा concern है तो फिर journal entry के साथ हमको क्या बनाना पड़ेगा? Subsidiary book भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर, बताइए? तो ये क्यों बनाना पड़ेगा देख लो। Suppose छोटा concern है तो पूरे हफ्ता में एक बार परचेस किए, पूरा हफ्ता भर सेल करेंगे, राइट। अगर बड़ा कंसर्न है तो हफ्ता 7 दिन का होता है, परचेस करेंगे 24 बार। कितना बार परचेस करेंगे? 24 बार। तो 24 एंट्री करना पड़ेगा, 24 बार जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है कि 24 को एक जगह हम रिकॉर्ड करेंगे, जहां एक जगह रिकॉर्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक, क्लियर। और उस सबको एक जगह रिकॉर्ड करके वो 24 के बदला एक एंट्री मारेंगे, राइट। That is called recording. Next step, classification. Next क्या है बताओ? Classification. Classification. Classification means ledger बनाएंगे या उसका अकाउंट तैयार करेंगे। लीजर बनाएंगे और क्या करेंगे? उसका अकाउंट तैयार करेंगे, राइट। चलो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। क्लासिफाइंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। चलो जगह भी सीख लेते हैं, यानी एक नेचर ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम रेंट पेड किए, खूब अच्छा से ऐसे रेंट अकाउंट बना देंगे। ये हुआ लेजर का फॉर्मेट, ये रेंट बना देंगे। जितना भी रेंट पेड करेंगे उसको लिखते चलेंगे, क्या कैश, क्या चीज, इस मंथ 12,000, नेक्स्ट मंथ 12,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेंगे। ये हुआ लेजर, सारा रेंट एक जगह, सारा सैलरी एक जगह, सारा परचे एक जगह, सारा सेल एक जगह, एक जगह, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाई कर रहा है, राइट। ही नोन एज व्हाट? लेजर, ठीक है। लेजर को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। सीखेंगे हम लोग अभी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। चलिए नेक्स्ट, और थोड़ा देख लीजिए। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू सब्सिडियरी बुक टू लेजर, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टिंग, वेरी गुड। लेजर कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल हरी अकाउंट और बिजनेस ट्रांसलेटेड हरी आर एंटर्ड, गुड। अब समराइजिंग,
अब देखो समराइजिंग, ये देखो समराइजिंग, सर समराइज करेंगे मतलब उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसका ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये देखो, इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग एंड क्लासिफाइंग द डाटा इन अ मैनर विच अंडरस्टेबल एंड यूजफुल टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। This process leads to prepare of following statements called trial balance, trading account, balance sheet and profit and loss account. Clear? अगर sole trading firm है तो profit loss बनाएगा, और company है तो statement of PL बनाएगा। ठीक है, चलिए और ना करके एंड कर दीजिए, ठीक है, और भी चलेगा। ये देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और चेक, फिर नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस ये देखो, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर, रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, आर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड टू द यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। राइट, तो साहब जी इधर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी और सर इधर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स। ठीक है, अकाउंटिंग, नेक्स्ट कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज थ्रू एनुअल पीरियोडिक रिपोर्ट्स। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन टाइम सो दैट द डिसीजन आर टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। क्लियर? तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द अकाउंटिंग प्रोसेस। चलो फिर से एक बार प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द फीचर्स, द अकाउंटिंग प्रोसेस आर एज फॉलोस। क्या है देख लो, नंबर वन, आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग कमेंटिंग कम्युनिकेटिंग 8, 9। एनालिसिस पे यहां पे सेम है तो इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो, 9 और 10। 9 में क्या साहब, डिसीजन मेकिंग, 10 में क्या साहब, अगेन रिपोर्टिंग। क्लियर? राइट, तो आज हम लोग क्या पढ़े, डिफिनेशन, फिर क्या पढ़े, फीचर। फिर से एक बार डिफिनेशन देख लीजिए,
सबसे पहला डिफिनेशन लोग क्या पढ़े, अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। दूसरा डिफिनेशन क्या पढ़े, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेक कम्युनिकेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग, क्लियर। और ये डिफिनेशन में ये सारा फीचर्स है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो कल आपको याद होना चाहिए डिफिनेशन और फीचर्स, ठीक है। कल फिर यही टाइम हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।